हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो फ्रॉम काउंसलिंग सीरीज। तो गाइस, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आईपीयू का एमबीबीएस के लिए फॉर्म है उसका ड्यूरेशन क्या है, निकलता कब है और एक किन किन कॉलेजों का निकलता है, उसके भरने का प्रोसीजर क्या है। इसमें पूरी बात करेंगे डिटेलिंग में कि आपको किस तरह से इस पर भरना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो आईपीयू का फॉर्म है निकलता कब है। तो गाइस, जब आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उससे 3-4 महीने या 2 महीने पहले आपका फॉर्म निकलता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये एक ही बार निकलता है, ये निकलता है आपका नीट रिजल्ट के बाद भी। तो जो लोग टेंशन ले रहे थे कि यार ये नीट का फॉर्म निकल चुका है पहले, अब हम क्या करें, नहीं कुछ नहीं करना है, दोबारा और निकलेगा। अभी आपका नीट रिजल्ट आया है कुछ दिनों पहले ही, तो दोबारा नीट का ये आईपीयू का फॉर्म जरूर निकलेगा। अब पहली बात, ये आईपीयू फॉर्म निकल क्यों रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आईपीयू के कुछ कॉलेज होते हैं दिल्ली कोटा वाले, उनके लिए ये काउंसलिंग अलग से होती है। तो ये काउंसलिंग के लिए फॉर्म होता है। तो जो काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है, जैसे कि बेसिकली मैं बात करूँ तो आपका जो आरएमएल कॉलेज है और जो वीएमएमसी कॉलेज है, इनकी तो काउंसलिंग एमसी से हो जाती है, बट जो बाकी बचे हुए 3 कॉलेज जो आईपीयू कोटा के अंदर आते हैं, जो आपका एनडीएमसी, बीएसए, एसीएमएस जो थे आपके 3 कॉलेज बचे हैं, जो इनका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो इस फॉर्म के भरने के थ्रू होता है। अब ऐसा क्या है इस फॉर्म में, देखो जो आप ये नीट से पहले एक फॉर्म निकलता है आईपीयू एमबीबीएस करके, एक फॉर्म होता है, उससे साइमल्टेनियसली बीएमएस, बीएचएमएस बाकी कोर्सों के निकलता है, क्योंकि आईपीयू अपने कॉलेज कुछ कॉलेज की काउंसलिंग अलग से ही कराता है, जो कि उसके कैंपस या फिर ऑनलाइन वे से होती है। तो जैसे कि आप लोग नीट से पहले फॉर्म को भर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने नीट से पहले आईपी को फॉर्म भर दिया है, तो उसके बाद आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं आगे काउंसलिंग में। अब बेसिकली जो ये आईपीयू का फॉर्म है, इसमें होता है क्या, जैसे कि आपको डिटेलिंग भरनी होती है, नाम, वही फादर्स नेम, सब कुछ भरना होता है आपको, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं सारे, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको, आप एलिजिबल हो जाते हैं दिल्ली कोटा की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्म नीट के रिजल्ट के बाद भी निकलता है। अब आपको ये फॉर्म 2 बार भरना होता है एक्चुअली में, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसका कुछ अमाउंट होता है 1000 या 1200 का अमाउंट होता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी पड़ती है, देन आप उस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हो जाते हैं। देन अब जो सेकेंड रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसकी होती है आपकी काउंसलिंग फीस, जिसमें आपको अपने वेरीफिकेशन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग फीस होती है इंक्लूड होती है, जो कि 1200 रुपये अराउंड होती है, जो कि आपकी एक वैल्यूएबल मनी होती है, जो कि कभी रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। जो 1200 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस होती है, जो कि आपको पे करनी होती है अगर आपको काउंसलिंग का पार्ट होना है। और जो आपके शुरुआत में जो पे करी थी आपने फर्स्ट पेमेंट, वो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस थी। अब होता क्या है कि जब आपका नीट एग्ज़ाम से पहले जब आपका जो फॉर्म निकलता है, उसमें आपको ओनली बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन नीट रिजल्ट के बाद, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये फॉर्म दोनों चीज़ के लिए ओपन होता है, पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस के लिए। अब जिन्होंने नीट से पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो वो अब बेसिक रजिस्ट्रेशन द्वारा नहीं कराएंगे, वो अपनी काउंसलिंग फीस भर के आगे चलते बनेंगे, ठीक है। बट जिनको आईपीयू के फॉर्म के बारे में किसी भी तरीके से पता नहीं चला था कि ये कब निकला है, या तो भरना भूल गए थे या डिले हो गई थी या कोई भी कारण था, तो वो लोग नीट रिजल्ट के बाद कुछ ही दिनों में भी आईपीयू फॉर्म आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग फीस दोनों ही कर सकते हैं। अब जैसे कि कई लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया हमने पहले क्या किया कि हमने कुछ कैटेगरी गलत भर दी। सपोज होता क्या है कि हम लोग जनरली जनरल और ईडब्ल्यूएस के साथ ये बहुत ज़्यादा पंगा होता है कि जनरल वालों ने पहले आईपीयू में जनरल भर दिया, बट वो एक्चुअली में ईडब्ल्यूएस थे, या जिन्होंने ईडब्ल्यूएस भर दिया उनका सर्टिफिकेट किसी भी रीजन से नहीं बन पाया, तो अब वो जनरल हैं, तो क्या वो अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया। तो गाइस, इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि जब जो मेन जो काउंसलिंग फीस होती है, उससे पहले आपका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है अपनी कैटेगरी चेंज करने का मौका मिलता है एंड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका मिलता है। एंड कोई कहते हैं हमने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, तो कुछ भी गलत भरा हो आपको वो चीज़ ऑटो करेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने गलत भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इसको प्रोसीड कर सकते हैं, एडिटिंग का ऑप्शन जरूर आता है। अब बात करते हैं कि हम बिना इस आईपीयू को फॉर्म भरे क्या काउंसलिंग प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते गाइस। आपको ये फॉर्म जरूर ही जरूर भरना होता है। अब इसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अभी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो वही सब चाहिए होता है। और आपकी ऑब्वियसली बात है, जब आपको वेरीफिकेशन कराएंगे आफ्टर नीट रिजल्ट, तो ये आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर या फिर आपका रिजल्ट का जो भी आपका रोल नंबर है, वो सब चीज़ें आपसे मांगेगा, देन आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी या फिर आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन आपके पास आईपीयू की तरफ से आफ्टर वेरिफिकेशन आपके पास एक मैसेज आता है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, देन आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हैं। तो गाइज, उस मैसेज को देखना ना भूलें, वही मेन इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जिससे आपको पता चलता है कि आईपीयू ने आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए हैं।
अब कई लोगों को यार एक डाउट होता है कि हमारा स्टेट का है, सेंट्रल का है सर्टिफिकेट, तो क्या करें? तो गाइज मैं आपको उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ। जैसे IPU में क्या होता है, जनरली मैंने देखा है कि वो किसी साल ना सेंट्रल का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी साल दिल्ली कोटा का भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब दिल्ली सेंटर, दिल्ली स्टेट का। जिसके पास दिल्ली कोटा है उसके पास दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं बेसिकली। ये चीज़ OBC के अंदर ज़्यादा होती है, OBC और EWS के अंदर, ठीक है। अब EWS के अंदर क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेट बनता है कि आपकी EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब दो तरह का होता है, सेंट्रल और आपका दिल्ली स्टेट का, और एक आता है OBC का। OBC NCL जो होता है स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है। बट ये IPU का अपना अलग चक्कर चलता है कि इसके अंदर यार वो कभी सेंट्रल का एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी IPU वालों से प्रॉपर कि हाँ हमारा वेरीफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि चल जाएगा नहीं चल जाएगा, आपको पता करना पड़ेगा। ये एक डलीमा है, ठीक है, IPU की तरफ से। और बाकी अगर आपको कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप उसमें मुझे DM कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी सारी डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। अब कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि हम बाहर से हैं। देखो सिंपल सी बात है, IPU कोटा उनको मिलेगा जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको कोई डोमिसाइल दिल्ली के अंदर डोमिसाइल की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बता दिया जाए। जिसने 11-12 दिल्ली से किया है उसी की वैल्यू है कि उसको दिल्ली कोटा मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब DU के लिए करना पड़ता है। DU के लिए मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मल MCC के अंदर जाना है, देन आपको वहाँ पर प्रोसीड करना है, वो उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। IPU के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलेज के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब यार देखो पता होता क्या है, देखो इस साल कट ऑफ भी बहुत बड़ा है ना, जैसे कि रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है। जैसे मैं देख रहा हूँ 631 पर अराउंड 12-13-14,000 रैंक आ रखी है लोगों की। तो गाइज ये इस बार कुछ ये कट ऑफ थोड़ी मेरिट हाई चली गई है। अब होता है क्या है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिजल्ट से पहले कि हमारे 640 मार्क्स हैं, 650 मार्क्स हैं, तो हमें RML या फिर ऐसा कॉलेज मिल जाना चाहिए। 655 मार्क्स हैं, 660 मार्क्स हैं, इवन 660 पर मार्क्स शोर हो जाता है जनरल कैटेगरी में, यार मुझे RML मिलना चाहिए। पर इस बार क्या हुआ कि 5000 रैंक आ गई, तो उनके लिए RML इम्पॉसिबल सा है। तो वो लोग क्या करेंगे, BSA और NDMC ले जाना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली बात है। तो गाइज ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो IPU का फॉर्म है आपको भरना जरूरी है, तो भर देना आप, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और गाइस ऐसी वीडियोस के लिए मेहनत लगती है, तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना ना भूलें, सबसे बड़ी बात। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।